नहीं नहीं बड़ा है हाइट बढ़ गया देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग जस्ट पहुंचे थे अप टू द डिफ्रैक्शन. अगर डिफ्रैक्शन में है तो आपने ये देखा था कि लाइट रेज जैसे ही किसी शार्प एजेस पे हिट करती है बेंड्स टुवर्ड द शार्प एज, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. दूसरा, जो बेंड होने पे फाइनल इमेज बन रही है उस फाइनल इमेज में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म. जो इमेज बन रही है उसमें जगह जगह आप देखें तो कहीं ब्राइट और कहीं डार्क इंटेंसिटी आपको दिखेगी. तो दिस कंपोजिटली फिनोमिना इज द डिफ्रैक्शन. यानी कि दो चीज आपको इसमें दिख रहा है, एक तो दिख रहा है कि लाइट रे बेंड हुई है और दूसरा दिख रहा है कि इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन है. इसको मिला के आप कह रहे हैं कि ये डिफ्रैक्शन है. इसको क्राइटेरिया में लेके आवे अगर कि ये सस्टेनेबल हो, दैट इज एग्जिस्ट करे, तो डिफ्रैक्शन टू आकर के लिए आपको दो केस दिए गए, यानी कि दो कंडीशन दिए गए. एक को कहते हैं कि इट मस्ट बी मोनोक्रोम, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की बेंडिंग अलग अलग अमाउंट से होती है. तो अगर आप मोनोक्रोम कर लेते तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ हो जाता, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ है तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की बेंडिंग को फॉलो करेगा. यानी फॉर डिफ्रैक्शन टू आकर लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक. और दूसरा, जो शार्प एज है उसकी शार्पनेस इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए, तब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा. यानी कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसका शार्पनेस एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तब आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा. अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड है तो डिफ्रैक्शन को दो साइंटिस्टों ने सेपरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की. एक को बोलते हैं फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, एक को बोलते हैं फ्रानहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन. तो अगर आप फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन की बात करें तो ये नेचर का डिफ्रैक्शन है, बनना तो ये एक्सप्लेन करा देंगे लेकिन हम इसको मैथमेटिकली फोल्ड नहीं कर सकते टू नो द आंसर. और इसको जब लेबोरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. जैसे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न को विजुलाइज करने के लिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है. इसको फ्रानहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन नाम देंगे. तो अगर हम फ्रेजनल्स क्लास में और फ्रानहाफर क्लास में, तो बाई डेफिनेशन दोनों में क्या अंतर है? एक नंबर में ये क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स में ये बनता है कि डिफ्रैक्शन को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए. फुल फ्लेज लिखने के लिए आता है थ्योरेटिकल अप्रोच, और एक उसमें न्यूमेरिकल फार्मूला है वो भी देख लेते हैं. तो यहां अगर हमारे पास फ्रेजनल्स है, फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड सेकेंड वन इज फ्रानहाफर. तो फ्रेजनल में देखिए, इन्होंने कहा कि आप एक स्टार बेस ऑब्स्टेकल लीजिए, दिस इसको आप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कराइए. तो इल्यूमिनेट कराएंगे तो रेज आप ले सकते हैं दिस वन, और आप रेज ले सकते हैं एज अ दिस वन. यहां स्क्रीन रख दीजिए. इनका जो क्राइटेरिया था फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन का कि इट इज टू बी फ्रेजनल इफ एंड ओनली इफ ऑब्स्टेकल जो है के रिस्पेक्ट में स्क्रीन और सोर्स दोनों फाइनाइट सेपरेशन पे मेंटेन है. ठीक है, ये इनका क्राइटेरिया था कि अगर हम जो सार्फेस ऑब्स्टेकल है इससे फाइनाइट सेपरेशन पे ऑब्जेक्ट कर देते और फाइनाइट सेपरेशन पे स्क्रीन कर देते तो इस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख जाता. देखिए कैसा दिखेगा इनके हिसाब से. इसको सेंटर लेके आग लगाते चले जाइए. ठीक है, सॉलिड आर्क डैश्ड आर्क सॉलिड आर्क डैश्ड आर्क, इस तरीके से आपको पता चलेगा कि वेव फ्रंट दो तरह के हैं, एक क्रेस्ट का है एक ट्रफ्स का है. आगे बढ़ता चला जाएगा, जब इसको टच करेगा तो वेव फ्रंट दो पार्ट में स्प्लिट होगा, रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट. रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट ये वाला होगा, लड़के रुक गया,
और जो अनरेस्ट्रिक्टेड है वो कंटिन्यू होगा। ये देखिए सॉलिड, ये यही से आर्क लग रहा है, सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश ऐसे, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट, अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट कंटिन्यूस है। अब यहां इन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट और अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट्स के जो एनर्जी पैटर्न्स हैं यानी वेवलेट्स, इनके बीच जो सुपरपोजिशन होगा विल डिफाइन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। मींस जो शार्प एज है उसको सेंटर लेके आर्क लगा के चले जाइए, सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड ये। और क्या ऐसा नहीं है कि अगर ये वेवलेट्स हैं तो इन पे नॉर्मल्स खींचेंगे तो रेज हो जाएंगी, तो इन पे नॉर्मल हम ये भी खींच सकते हैं रेडियल, और हम नॉर्मल ये भी खींच सकते हैं, तो क्या बेंडिंग दिख नहीं गई? लाइट रे जो ऐसे चल रही थी वो लाइट रे क्या इस पर नहीं पॉसिबल है? यानी होता क्या है, जब सरफेस ऑब्स्टेकल पर स्ट्राइकिंग होती है ऑफ लाइट तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब जो वेवलेट्स बनते हैं वो डिफाइन करते हैं एनर्जी के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। पहले इसको सेंटर लेके आर्क लगा रहे थे और अभी इसको सेंटर लेके आर्क लगा रहे हैं, तो जब इसको सेंटर लेके आर्क बनाए थे तो इनके हिसाब से जो रेडियल थी वो रेस थी, और अभी अगर सेकेंडरी वेवलेट इसकी ले लेते या वेव फ्रंट तो इसको इसको लेके आर्क लगाते तो इस केस में आपको क्या रेज ऐसी नहीं मिल रही है। तो लाइट रे का बेंड होना क्या है, लाइट रे का बेंड होना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और आगे बढ़िए कि ठीक है मान लिया बेंड बेंड इस वजह से हुआ क्योंकि जो सरफेस था वो एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करने लगा और उसने अपनी सेकेंडरी वेवलेट बनानी शुरू कर दी। और इन वेवलेट्स के लिए अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस करें तो वो नॉर्मल्स आपको इस बेंडेड पार्ट में भी मिलेंगी। तो इस तरीके से लाइट रे जो इस तरह से जा रही थी उसका ये पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको मिला। दूसरा इनसे कहा गया कि जो इमेज यहाँ मिली थी उसमें उसमें कहीं डार्क था कहीं ब्राइट था, वो कैसे एक्सप्लेन होगा? तो देखिए वो कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, इन्होंने कहा कि ये तो रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट की वजह से है। जो रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट हुई उनमें जो शार्प एज पर थी उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन लिया, और जो अनरेस्ट्रिक्टेड है उनमें से किसी एक पर अगर आप हाथ रख देते तो वो भी तो एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करता और वो भी तो अपनी वेवलेट बनाता। तो इनका वेवलेट अगर बनाते सॉलिड डैश यानी कि इन अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट में से किसी पर हाथ रख लीजिए और उसके बाद उसको सेंटर लेके सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश, क्लियर है? ओवरलैपिंग जोन मिलने लगा आपको। अब अगर आप ढूंढ पाते कि किन किन पॉइंट्स पर सेम फेज में इंटरेक्शन हुआ है तो वहां इंटेंसिटी मैक्स हो जाती, और किन किन पॉइंट्स पर अपोजिट फेज में इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन हुआ है वहां इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन गया ना, इसमें तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि यहां कहां इंटेंसिटी मैक्स होगा कहां इंटेंसिटी मिन होगा। इसीलिए नेचर में आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखता है, दिस इज द नेचुरल डिफ्रैक्शन। तो नेचुरल डिफ्रैक्शन क्या है, सोर्स को सेंटर लेके आपने इसके वेव फ्रंट को ट्रेस कर लिया था, जब ये शार्प एज तक पहुंचा तो इसका सम पार्ट रेस्ट्रिक्ट हो गया और सम पार्ट प्रोपेगेट हो गया। जो रेस्ट्रिक्ट हुआ उसके लिए आपने शार्प एज पर एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस चूज किया और उसको सेंटर लेकर के आर्क लगाना शुरू किया। जब आपने फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह शार्प एज पर एटम को सोचा या मीडियम के पार्टिकल को सोचा और ये वेवलेट बनाने शुरू की, तो इन वेवलेट्स की जो नई रेज आएंगी वो नॉर्मल टू द वेवलेट आएंगी और इस प्रोसेस में आपको बेंडेड रे मिल गई। जो डिफ्रैक्शन में आप कह रहे थे कि रे सीम्स टू बी बेंडिंग वो सेकेंडरी वेवलेट की रेज थी जिनकी डायरेक्शन आपको चेंज होती हुई दिखी। और अब रही बात इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं इनके जो वेवलेट्स हैं इनके वेवलेट्स का सुपर इंपोजिशन हो रहा है विद द रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट्स। रेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट के साथ सुपर पोजिशन मीन्स अगर हम अनरेस्ट्रिक्टेड वेव फ्रंट पर
किसी एक वेवफ्रंट पर हाथ रख करके एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेते और उसको लेके आर्क लगाते चले जाते ऐसे, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि इंटरैक्शन या सुपरपोजिशन होने लगा। इस सुपरपोजिशन में जो एनर्जी का पैटर्न आएगा या इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसने इमेज को एट सम पॉइंट मच इंटेंस कर दिया और उसने इमेज को एट सम पॉइंट लेस इंटेंस कर दिया। इस प्रोसेस में जो इमेज बनी वो कहीं ज्यादा लाइट हो गई, कहीं ज्यादा डार्क हो गई। तो ये नेचुरल डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहा है। इसको हम लैबोरेटरी क्राइटेरिया में लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमको दिखे बारी बारी से कि कहां इंटेंसिटी मैक्स है, कहां इंटेंसिटी मीन है। उसके लिए फ्रानहोफर ने सजेशन दिया, कॉल्ड फ्रानहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्लियर है? डिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड दो वेव फ्रंट हो जा रहे हैं, और जब एक लाइट रे टू कोहेरेंट लाइट रेज में कन्वर्ट होती है तो इंटरफेरेंस होता है। तो डिफ्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है? तो हो ये रहा है कि डिफ्रैक्शन में जो शार्प एज ऑब्स्टेकल है ये लाइट को दो पार्ट में तोड़ दे रहा है, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड डिफ्रैक्शन लिखने के लिए आता है। और मुझे नहीं लगता कि डिफ्रैक्शन को कोई एप्लीकेशन है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है? अभी सिंगल स्लिट में लेके आ रहा है, लेकिन ये हर साल आता है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब आज तक इसका कोई एप्लीकेशन नहीं मिला, कोई इसका ड्रॉबैक नहीं मिला, तो फिर पता नहीं क्यों सिलेबस में कंटिन्यू करके रखे हुए हैं, ठीक है? और ये हम लोग बेसिक में इतना जलाया था कि हम लोग जानते डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना था लैब में, अंधेरा कमरा था, टोटो के ऑपरेटर्स हम लोग देखते थे एकदम डार्क रूम, ठीक है? उसके बाद सब बोलते थे दिखा अभी अंधेरे में वैसे भी कुछ दिख रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहां से दिखेगा, ठीक है? तीन महीना जलाया था ऑपरेटर, हमने तो डांटो खाए थे इसकी वजह से हम लोग, तीन महीना तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं किए, देखे पास कैसे होते हो। वो तो सीनियर्स थे, कॉपी करा के रेडी वोडिंग कहीं से निकलवा के सब आगे बढ़वा दिए, नहीं तो जो है लटक जाते इसको लेकर के, ठीक है? रट रुक के तो किसी तरीके से इसको पढ़ाया जाता है कि चलिए ठीक है आपको तो हम कम से कम समझा ले जा रहे हैं। हमारे साथ तो बोलते थे यार देखो कुछ है ये, ठीक है, और ये डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं, याद करो क्योंकि पूछा जाता है। सर जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेवफ्रंट्स हैं वो तो सीधे जा रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वेवफ्रंट सीधे नहीं जा रहे। अनरिस्ट्रिक्टेड में शार्प एज पर जब वो रेस्ट्रिक्ट हुआ तो वहां एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जनरेट कर दिया, तो स्फेरिकल वेवलेट हो गया ना, तो उन पे नॉर्मल्स खींचेंगे तो वो नॉर्मल ना अनरिस्ट्रिक्टेड की वेव की रेज होगी। सर इंटरफेरेंस जब हो रहा होगा तब इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस इन दोनों के बीच हो रहा होगा तो रेज कुछ नीचे मिलेंगी कुछ ऊपर मिलेंगी। सर सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ये कोई कहां से हो गया सर इंटरफेरेंस के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ये कहां बोला इंटरफेरेंस के लिए सेम ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो क्या रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? सुपरपोजिशन के बाद की बात नहीं हुई है, सुपरपोजिशन के बाद तो डाइवर्ज हो गया। सुपरपोजिशन होने के पहले क्या क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है, रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड वाले का वेवलेट कहां डिसाइड कर रहा है, जस्ट एट द शार्प एज, कि वहां रुक गया तो वहां जो भी मीडियम का पार्टिकल होगा तुरंत अपना एनर्जी प्रोपेगेशन स्टार्ट किया होगा बाय फॉर्मिंग द सेकेंडरी वेवलेट, और जो अनरेस्ट्रिक्टेड है वो तो कंटिन्यू है, ठीक है? उस पे तो वेवलेट बनी रहे होंगे, उन वेवलेट पर टेंजेंट खींचेंगे तो आपको नई वेवफ्रंट मिलेंगी, फिर उस वेवफ्रंट पे वेवलेट खींचेंगे उनका एनवेलप खींचेंगे तो फिर नई वेवफ्रंट मिलेंगी। तो यहां पे सुपर इंपोजिशन between restricted and unrestricted wavefronts defines the energy distribution in diffraction pattern. ये फ्रेजनल का कहना था, आसान हो जाएगा। फ्रानहोफर ने इसको लैबोरेटिकली एक्सप्लेन किया और ये लैब में अगर इसको लेके चला तो यहां हमको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन साफ साफ नहीं मिलता, ठीक है? इस क्राइटेरिया को छोड़िए, फ्रानहोफर में एकदम साफ साफ आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न वैसे ही दिखेगा जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता था। अगर हम आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न बाई फ्रानहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में लेके आए तो देखिए क्या कहना है इनका। इनका कहना है कि जो सोर्स है विथ रिस्पेक्ट टू शार्प एज ऑब्स्टेकल और स्क्रीन जो है विथ रिस्पेक्ट टू शार्प इज ऑब्स्टेकल इनफाइनाइट सेपरेशन पर होनी चाहिए। ये इनफाइनाइट चाहिए और ये इनफाइनाइट चाहिए, तो इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आपको लैबोरेटरीली फुलफिल कराना है क्योंकि इनकी टेक्निकलिटी देखिए, इनसे जब कहा गया कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इनका कहना था कि जब स्फेरिकल वेवफ्रंट्स के बीच सुपरपोजिशन होता है तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है।
तो ठीक है, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म तो इंटरफेरेंस भी होता है। इतना ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म है कि हम इसमें अगर करेक्ट करना चाहें कि लो इंटेंसिटी वाले पॉइंट कहां जा रहे हैं स्क्रीन पे, तो दिखाई नहीं दे रहे हम लोगों को। अगर करेक्ट करें भी तो रैंडमाइज मिलेंगे इधर उधर, तो फिर कैसे उनको जोड़ के स्क्रीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ट्रैक चाहिए ना हमको। तो उनका कहना था कि ये डिस्टरबेंस जो है कि वी आर नॉट एबल टू सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न हियर, दिस इज बिकॉज जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो बिटवीन द स्फेरिकल वेवफ्रंट्स है। अगर प्लेनर वेवफ्रंट्स होते तो विजिबिलिटी मिल जाती। यही ये जो प्लेनर वेवफ्रंट का चक्कर इन्होंने दिया, उद्रत फ्रानहोफर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अडॉप्ट कर लिया। यानी कि एक पॉइंट सोर्स का जो वेवफ्रंट था वो तो स्फेरिकल होता है, और एक सिलेंड्रिकल अगर लेते तो या काफी फार अपार्ट हो जाते, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो एक्सटेंडेड सोर्स हो, दोनों ही केस में अगर हम काफी दूर हो जाते तो रेस पैरेलल हो जाती, प्लेनर वेवफ्रंट आ जाता है। स्टेटमेंट इनका था, बेनिफिट उनको हो गया। उनको बेनिफिट ये हुआ कि इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, सोर्स को उठा के ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट पे कर लीजिए और उठा के स्क्रीन को ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट पे कर दीजिए। यानी कि थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है फ्रेजनल और फ्रानहोफर में? फ्रेजनल में ये है कि बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट सेपरेशन टू द ऑब्स्टेकल, व्हाइल इन केस ऑफ फ्रानहोफर सोर्स एंड स्क्रीन इज टू बी मेंटेन एट इनफाइनाइट सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑब्स्टेकल। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि जो फ्रेजनल है इसमें वेल डिफाइंड डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनता, जबकि फ्रानहोफर में वेल डिफाइंड सस्टेन्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है और हम मेजरमेंट और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम थ्योरेटिकली कैसे पा सकते हैं कंडीशन कि शार्प एज ऑब्स्टेकल और सोर्स के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए? देखिए, अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते यहां L1 इन सच अ वे कि ये सोर्स कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर हो जाता, तो क्या जब इससे रेस चलती तो पैरेलल नहीं हो जाती? यानी ऑब्स्टेकल को जब रेस मिलती तो क्या मिलती? पैरेलल रेस। तो ऑब्स्टेकल के रिस्पेक्ट में सोर्स को क्या कहते हैं? कहते थे इनफाइनाइट पे। क्यों? पोटेंशियोमीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए था ना, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं था। तो हमने कहा कि इट इज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड द करेक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर ईएमएफ। तो क्या किए थे? पोटेंशियोमीटर में जब आप रीडिंग लेते थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्रेक्शन जीरो होता था ना। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब R is equal to V by I, I जीरो पर पुट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? R की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी। यानी जब आप न्यूट्रल पॉइंट पर मेजरमेंट करते हैं इन पोटेंशियोमीटर, तो न्यूट्रल पॉइंट पर मेजरमेंट का मतलब नो करंट से था, नो करंट का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया था, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से जितनी बार भी आप रीडिंग लेते हैं हर बार आप जीरो करंट पर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग लेते हैं, यानी वो आइडियल वोल्टमीटर के इक्विवेलेंट हुआ। क्यों? क्योंकि नो करंट का एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया रेजिस्टेंस इनफाइनाइट भी तो है। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर वोल्टेज का मेजरमेंट सही सही कर ले जाता है। वही चीज यहाँ है, हम रियल में तो इनके बीच कभी भी सेपरेशन इनफाइनाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम सोर्स और शार्प एज ऑब्स्टेकल के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते अंडर द कंडीशन दैट कि सोर्स स्टार्ट टू लाई ऑन द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो जो भी रेज हम इससे चलाते, ये देखिए दिस, अगर वेवफ्रंट बना दे ऐसे तो बनाएंगे सॉलिड डैश सॉलिड ऐसे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है फट से ये पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने का मतलब अब वेवफ्रंट कैसे बनाएंगे? आ गया प्लेनर। ये आइडिया इन्हीं का था, फ्रेजनल का था कि अगर प्लेनर हो जाते ये तो इंटरफेरेंस इनका दिखता हमको, यानी डिफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस हम देख पाते। और आगे चल के आपके बुक में ऐसे लिखा है, सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस इज द डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस, यानी दो स्लिट में इंटरफेरेंस है और सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस जो है इंटरफेरेंस नहीं डिफ्रैक्शन, ये कहा गया। तो ये तो आप आगे एक्सप्लेनेशन में पाएंगे ना कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो यहां हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, अब एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज कीजिए। यहां ये जो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है ये उन सभी रेज को करेक्ट करेगा जो डिफ्रैक्ट हुई या डिफ्रैक्ट नहीं हुई। जो अनरेस्ट्रिक्टेड है वो बिना डिफ्रैक्टेड वाली रेज होगी, और जो यहां से सेकेंडरी वेवलेट से रेज बनी थी उनको आप डिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। उनको ये क्या करेगा? लेंस करेक्ट करेगा इन सच अ वे कि फोकस पर स्क्रीन मेंटेन कर दीजिए, ठीक है। यानी इससे जो डिफ्रैक्टेड रेज है उसको ये कहां अपनी इकट्ठा करेगा? अपने फोकस पे इकट्ठा करेगा, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है ना, तो पैरेलल रेज कहां इकट्ठी होती है? फोकस पे ना। तो स्क्रीन क्या की? दूसरे लेंस के फोकस पर कर दिए। यानी फ्रानहोफर का लेवरेटिकल एडजस्टमेंट क्या है?
there is a source and a screen in such a way that there is a convex lens between the obstacle and the source, under the condition that the source is lying at the focus point of this L1. Benefit? ये लेंस L1 सोर्स से चलने वाली रेस को पैरेलल कर देगा और हम कह पाएंगे कि सोर्स इज एट इनफाइनाइट सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑब्स्टेकल. और इधर ये जो रेज डिफ्रैक्टेड रेज है या अनडिफ्रैक्टेड रेज है, इनको ये लेंस L2 कलेक्ट करने वाला है और इसके फोकस पर हम स्क्रीन को रख दे रहे हैं. इस तरीके से हमने ये मैथमेटिकल क्राइटेरिया पा लिया कि सरफेस ऑब्स्टेकल के रिस्पेक्ट में सोर्स एज वेल एज स्क्रीन को इनफाइनाइट सेपरेशन पर होना चाहिए. अब अगर ये एक्सपेरिमेंट हम पार्सिव होता हुआ दिखाएं आपको, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. देखिए ये उतना ही बड़ा डायग्राम बनेगा और बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि आप यंग्स डबल स्लिट में बनाते थे. आपको करना क्या होगा, वहां डबल स्लिट लेते थे, यहां सिंगल स्लिट लेंगे. इनका कहना था, यानी फ्रानहाफर की कंडीशन तो समझ में आ गई कि क्या करने वाले हैं ये. फ्रानहाफर में ये करने वाले ये है कि सरफेस ऑब्स्टेकल पर जो लाइट हिट कराएंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हिट कराएंगे, अंडर द कंडीशन दैट कि रेज पैरेलल हो करके उस सरफेस ऑब्स्टेकल को टच करें. तो हम मैथमेटिकली ये कह पाएंगे कि पैरेलल इज मतलब इनफाइनाइट हो गया सोर्स. इसका मतलब है कि ऑब्स्टेकल के रिस्पेक्ट में सोर्स के डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गए और जो डिफ्रैक्टेड रेज है उसको डायरेक्ट स्क्रीन पर कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी भी एक खास बात है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. डिफरेंट एंगल पर रे डिफ्रैक्ट होंगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, 1 डिग्री पर कई सारी डिफ्रैक्ट होंगी, 2 डिग्री पर कई सारी डिफ्रैक्ट होंगी, 4 डिग्री पर. अगर लेंस नहीं लगाए होंगे तो पूरे स्क्रीन में सब जगह जगह अलग अलग जाएंगी, और एक लेंस लगा देंगे तो लेंस की खास बात होती है सेम एंगल पर बेंडेड ऑल ऑफ द रे को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है. क्यों? अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस पर येलो कलर का 5 टॉर्च लेके 5 डायरेक्शन से लाइट एंट्री कराए, वो एक जगह इकट्ठा करेगा उनको, अलग अलग जाने नहीं देगा. यानी क्या खास बात है, पहले येलो येलो पूरा स्कैटर्ड थी और जब लेंस में आई तो उसने उनको कंपोज टुगेदर करके एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया. यही तो इनके साथ दिक्कत थी कि पूरे स्पेस में स्कैटर्ड है, एक के लाइनिया पर यहां दिख रहा है अपोजिट फेज है, तो यहां सेम फेज है, यहां अपोजिट फेज है, क्योंकि हम यहां डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे. ये इसी वजह से है क्योंकि जो डिफरेंट एंगल पर बेंडेड रेज है वो पूरे वॉल्यूम में स्कैटर्ड है. अगर सेम एंगल वाली डिफ्रैक्टेड रे लेंस से पास की जाती तो सारी की सारी रेज वो एक जगह आ जाती. जैसे आप रेनबो का एग्जांपल ले लीजिए, रेनबो में एक पार्टिकुलर कलर एक आर पर ही क्यों था, आपको इधर उधर छिटका हुआ क्यों नहीं दिखा, क्योंकि आपकी आई ने उन सभी येलो कलर को एक आर पर इकट्ठा कर लिया, सो दैट एक आपको येलो आर दिखता हुआ मिला. क्या कंडीशन थी, एक पार्टिकुलर एंगल था, हर बार येलो के जितने भी पॉइंट स्पेस में बनते वो एक ऐसे आर पर एडजस्ट कर दिया आई ने, या एडजस्ट कर लिया, शायद वो ना एडजस्ट हो, ये आपके आई का वो है एज अ लेंस कि वो सारी येलो कलर को एक आर्क पर इकट्ठा करा रही है. इंसान चाहे कि आर्क और आई की जो ज्वाइनिंग एंगल है वो एक कॉमन है, यानी स्पेस के दो पॉइंट सेम कलर के होंगे अगर आई की ज्वाइनिंग लाइन पर उनका एंगल सेम होगा, ठीक है. तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्ड डिफरेंट एक ही कलर की डिफरेंट लाइट रेज को अगर छोड़ देंगे तो स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पर स्कैटर करेगी, लेकिन एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, सेम एंगल पर जितनी भी रेज होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन वो सब एक पॉइंट पर होंगी. इधर जा रही थी येलो कलर, इधर जा रही थी येलो कलर, कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, इकट्ठा कर देगा एक जगह पर, सारे येलो एक जगह, सारे रेड एक जगह, सारे ब्लू एक जगह. यही तो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम विद एन एक डाई क्यों नहीं दिख रहा और स्पेक्ट्रम प्रिज्म से क्यों दिख रहा, क्यों, क्योंकि एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट स्टार्ट कर दे रहा है वो कलर्स का. तो यहां अगर हम इनको इनके इस थॉट को इंप्लीमेंट करें तो हम डिफ्रैक्शन को सस्टेन करा सकते हैं, यानी यहां डायग्राम में देख सकते हैं और यहां से आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिखा सकते हैं. तो ध्यान से देखिए, फ्रानहाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यह साल लिखने के लिए आता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिलहाल पूछा जाता है आपसे. स्टेप वन, आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, एक सीधी लाइन खींच लीजिए
स्टेप टू, एक हार्ड कार्डबोर्ड रखिए जो लाइट के लिए ऑपेक है, नहीं जाने दे रहा लाइट को, और इसमें कट मार्क कर लीजिए। एक कट में से एक ओपनिंग, ये देखिए इतना ओपनिंग है, ये इतना, बाकी ये सब लाइट नहीं जाने देगा, ये इतना हमने स्लिप काट लिया, ठीक है, यानी इससे लाइट निकलेगी ये, और इसकी जो बाउंड्री है ये एजेस का काम करेगी, शार्प एजेस का। जब लाइट इससे निकलेगी तो एजेस पर जब टकराएगी तो जिधर जिधर टकराएगी उधर उधर मुड़ जाएगी। जैसे हम एक यहाँ पेपर रख लेते इसके सामने, शैडो बनता और एक ब्लेड से उसमें ओपनिंग कट कर देते, ओपनिंग ब्लेड से, तो ये पूरा ओपेक है, शैडो बनता, और जब यहाँ कट कर देते बीच में तो जो ओपनिंग होता उससे लाइट निकलता। वो लाइट क्या होता, जब निकलने की कोशिश करता तो एजेस पर जितनी सेंट्रली निकल जाती बिना टच किए एजेस को, वो तो सीधी होती, और जो बॉर्डर पे टकराती है जिस पे फट से डाइवर्ज हो जाती, ऊपर वाले इस पर टकराए तो ऊपर मुड़ गए, नीचे वाले इस पर टकराए नीचे मुड़ गए, साइड वाले पर टकराए उधर मुड़े, यानी वो इस तरीके से आप देख लीजिए, अपने फिंगर के बीच गैप को ऐसे करके टॉर्च मार के देखिए, आपको वहां जो लाइट की का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा वो समझ में नहीं आएगा, वो कहीं डार्क होगा, मतलब 5-6 शैडो बनेगा उतने ही दूर में, कहीं डार्क होगा कहीं ब्राइट होगा, मतलब कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होगी कहीं इंटेंसिटी कम होगी। अगर आप एक सिंगल फिंगर को भी यहाँ रखा है तो देखिए डुअल इमेज तो कई सारी लाइट की वजह से बन रही है, अगर आप अपने फिंगर को दूर करते जाए तो देखिए सेंटर में डार्क ज्यादा है और जस्ट जो उसके बाद वाली इमेज बनी है उसमें इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। आप ध्यान से देखिए कि आपको जो सेंट्रल इमेज मिल रही है वो ऐसे डार्क है, इसके बाद वाली जो मिलेगी वो कम डार्क है। अगर और अच्छा रिजोल्यूशन आई का है तो देखेंगे और कम डार्क है, और कम डार्क है, करते करते स्प्रेड हो गया, डिसअपीयर हो गया। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे यहां ध्यान से, इसकी इमेज, तो इसकी इमेज आपको एकदम सॉलिड नहीं दिखाई देगी, उसमें थोड़ी लाइट है, और वो लाइट को भी अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने पर आपको उसमें भी डार्क और ब्राइट मिल रहा है, बट वो कहीं इंटेंसिटी ज्यादा है कहीं इंटेंसिटी कम। अब इससे बहुत सारी रेज, अच्छा एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में लेना है तो थोड़ा गैप बढ़ा रहा है, यहां हमने कर लिया, इसके इससे एक कॉन्वेक्स लेंस इससे एट सम डिस्टेंस अपार्ट रखा इन सच अ वे कि ये सोर्स इसके फोकस पर आ गया। अब देखिए क्या होगा, बहुत सारी रेज चल रही है इससे, इन बहुत सारी रेज में से देखिए ये यहां टकराई, ये देखिए यहां टकराई, ये देखिए यहां टकराई, ये देखिए यहां टकराई, और ये देखिए, ठीक है, और ले लीजिए लाइट, देख रहे हैं, सिर्फ जो इसमें एंटर कर रही है वही तो बाहर जा पाएंगी, जो इसके सेंट्रल पार्ट से बिना बॉर्डर को टच किए सेंटर से निकल गई वो तो सीधी निकल गई, देखते रहिएगा, निकल गई सीधी ऐसे क्यों, और जब यहां कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा, वो इन सब को उठा के अपने फोकस पर इकट्ठा करेगा, और फोकस पर तो स्क्रीन लगा रखी आपने, मतलब सेंट्रल क्या ब्राइट की डार्क ब्राइट हो गई, जानते हैं क्यों, क्योंकि जो भी लाइट थी रियल लाइट बिना डिफ्रैक्ट हुए सेंटर से निकली, और जब सेंटर से निकली तो पाथ डिफरेंस वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, यानी हम इन दोनों के बीच चेक करें नो पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच चेक करें नो पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच चेक करें नो पाथ डिफरेंस, मतलब लाइट रेस के इंटरेक्शन के बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इसलिए सेंट्रल ब्राइट होगा। 98% लाइट सीधी निकल गई, 98% लाइट, क्यों, क्योंकि जो शार्पनेस का ऑर्डर चाहिए था वो तो इसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का चाहिए था, कहां शार्पनेस का ऑर्डर वेवलेंथ का ऑर्डर का मिलेगा आपको, एंगस्ट्रॉम में कहां शार्पनेस मिलेगी, ठीक है, मिलीमीटर में मिल जाएगी ब्लेड की, इसलिए डिफ्रैक्शन भी कम हुआ, तो मोस्टली तो सीधी निकल गई, यानी सेंट्रल जो बना वो 98% ब्राइट है, पहला फीचर, और साथ में काफी वाइड है, वाइड इसलिए कि उसके पास इंटेंसिटी ज्यादा है तो स्प्रेडिंग ज्यादा है, ठीक है, जब ज्यादा सक्सेस होंगे तो ज्यादा फैल के चलेंगे ना, क्यों, अब कम सक्सेस होंगे तो अपना सिकुड़ के चलेंगे, भाई जाओ भाई क्यों, तो वैसे ही है, उसके पास इंटेंसिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो उसकी स्प्रेडिंग ज्यादा है। अब आइए कि जो इन शार्प एजेस पे टकराई, कोई एक डिग्री पर बेंड हुआ, कोई दो डिग्री पर बेंड हुआ, कोई चार डिग्री पर बेंड हुआ, कोई 70 डिग्री पर बेंड हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर गई, सेम एंगल पर जितनी भी डिफ्रैक्टेड होंगी जब वो कॉन्वेक्स को फेस करेंगे तो फट से एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां से जो टकराई, इसको जाना था ऐसे, फट से बेंड हो गई ये, चलिए माना ये थीटा डिग्री पर बेंड हुई, इसी को कह रहे हैं डिफ्रैक्टेड रे, और ये जब बेंड हुई तो यहां कॉन्वेक्स लेंस बड़ा बनाया जाता है, दूसरा वाला यहां इस लेंस से पास हुई, और भी बहुत सारी रेज है, और एक रे ले लीजिए यहां थीटा डिग्री से जो बेंड हुई, सेम एंगल पर ऑल ऑफ द डिफ्रैक्टेड रे कलेक्टेड बाय द लेंस एट वन पॉइंट,
ठीक है, सम थीटा डैश पर ले लीजिए, उनको ये लेंस एक जगह इकट्ठा करेगा, सम थीटा डबल डैश वाली सारी रेज लीजिए, उनको कहीं और इकट्ठा करेगा। तो जब ये एक पार्टिकुलर एंगल पर डिफ्रैक्टेड रेज को पा रहा है डैश, तो ये क्या करेगा, उठा के इनको इकट्ठा कर देगा। जरा ध्यान से देखिए तो क्या ये वाली डिफ्रैक्टेड रे और इस डिफ्रैक्टेड रे के बीच पाथ डिफरेंस नहीं इन्वॉल्व हो गया, क्या ये ट्रैक लेंथ This and this बराबर है? तो this track length नहीं बराबर है, इनके बीच पाथ डिफरेंस आ गया, यानी जो डिफरेक्ट हुई सेम एंगल पर, जब उनको ये लेंस कलेक्ट करेगा तो इन डिफरेक्टेड रेज के बीच एक पाथ डिफरेंस सर्वाइव करेगा। कैसे पता चलेगा, इसको बोलते हैं स्लिट विड्थ, ए भी कह सकते हैं, इसको ए कहते हैं, स्मॉल ए, दैट इज स्लिट विड्थ। अगर यहां से परपेंडिकुलर ले लें तो क्या इतना एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, देखिए ये और ये एक हो गया और ये दो हो गया, इन दोनों के बीच अब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, इतना एक्स्ट्रा नहीं आ गया, ये पाथ डिफरेंस थिन फिल्म को फॉलो कर रहा है। अगर ये पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है तो वो डार्क हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो लैम्डा बाई टू का चक्कर है जो भी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ आपको थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि ये पाथ डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आया तो वो डिसअपीयर हो जाएगा वहां लाइट, मतलब वहां डार्क हो जाएगा, यानी कि जो इससे लाइट निकल रही है वो स्क्रीन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बना था और उसके बाद देख रहे हैं कि हमने थीटा डिग्री पर डिफ्रैक्टेड डिफरेंट रेस को जब लेंस के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश की तो इनके बीच एक पाथ डिफरेंस आ गया डेल। ये जो पाथ डिफरेंस डेल आया, ये पाथ डिफरेंस डेल यहां बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी को डिफाइन कराएगा, ठीक है। अगर हम ये पाथ डिफरेंस निकालें तो जरा ध्यान से देखिए, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अरे ये और ये तो 90 है ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये कितना हो गया थीटा, जरा साइन थीटा लगा दीजिए, तो साइन थीटा लगाएंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आ गया पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्लियर है। अब अगर किसी पॉइंट पी पर हमने हाथ रखा और हम कह रहे हैं कि दिस डेल इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू Twice n lambda by 2, तो आपको पता है कि वो thin film को follow कर रहा है ये diffraction, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा deep में जाना ही नहीं है, formula चाहिए। तो किसी point पर अगर वो even multiple of lambda by 2 से equal हुआ तो वो point dark intensity वाला point होगा। इसका मतलब plus minus इसलिए ले रहा है कि screen के दोनों तरफ distribution हो रहा है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस नीचे डिस्ट्रीब्यूशन माइनस 2 और 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर टू प्लस माइनस n लैम्डा फॉर अ डार्क फ्रिंज इज टू बी अकर्ड, पॉइंट पी पे डार्क दिखेगा। थ्योरी से वो पाए है, सॉरी एक्सपेरिमेंट से वो पाए है, और थ्योरी से ये है दोनों इक्वल होना चाहिए, फॉर फ्रिंज टू डिसअपीयर और फॉर डार्क पॉइंट पी वी हैव ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा बाई n लैम्डा, ये हो गया, एक उधर फेंक दीजिए, डिफ्रैक्शन एंगल पता चल गया कि एक सम डिफ्रैक्शन एंगल के लिए आपके पास है प्लस माइनस n बाई n लैम्डा बाई a। अगर हम कहते फर्स्ट डार्क तो क्या मिल जाता, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई a, क्या मतलब है, मतलब है पहला डार्क कहां मिलेगा प्लस लैम्डा बाई a, यहां तो दूसरा कहां मिलेगा माइनस लैम्डा बाई a। क्या ये जो गैप आया ट्वाइस लैम्डा ए, इसको फ्रिंज ऑफ विड्थ नहीं बोलते हैं, फ्रिंज ऑफ देन सेंट विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, और ये एंगल के टर्म में साइन थीटा है लैम्डा बाई ए, यही तो न्यूमेरिकल आपसे पूछा है सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ कितनी होती है, आंसर है ट्वाइस लैम्डा बाई ए। आपको तो बुक में तो रटवाया, इतना भी डिस्कस नहीं करवाया है, लेकिन हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा निकल गया, और हम कह रहे हैं थिन फिल्म से हमको पता था डिसअपीयरेंस की कंडीशन क्या है, थिन फिल्म से हमको पता था ये होता है, दोनों को इक्वेट करा दीजिए, इक्वेट करा दिया आपको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई ए, यानी फर्स्ट डार्क आपको मिलेगा, देखते रहिए अभी बहुत ट्विस्ट है इसमें, ये मिल गया प्लस लैम्डा बाई ए, ये मिल गया माइनस लैम्डा बाई ए, बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड द ट्वाइस लैम्डा बाई ए, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। अगर हम इस स्लिट से स्क्रीन तक की
डिस्टेंस कैपिटल डी ले लेते जैसा कि यंग्स डबल स्लिट में लेते थे तो इसमें डी मल्टीप्लाई कर देते तो ये कन्वर्ट हो जाता लीनियर विड्थ में। क्लियर है? अरे एंगल इसका डिवाइड बाय रेडियस लगा है। सेंट्रल का एंगुलर विड्थ जो है दैट इज द ट्वाइस लैम्डा बाय ए और जो उसका लीनियर विड्थ है इन मिलीमीटर ये कितना होगा या इन मीटर जो भी आएगा स्ट्राम में जाएगा मीटर और डी इन मीटर तो ये पूरा का पूरा मीटर में जाएगा तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा यानी कि आपको जो फार्मूला रटना है वो है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट आपको प्रिंटेड मिला है ठीक है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट दो फार्मूला जनरेट हुआ एक फार्मूला इटसेल्फ ही आपके पास है sin थीटा इसका 2 प्लस माइनस लैम्डा बाई ए फॉर फॉर डार्क पैटर्न और डार्क इंटेंसिटी एट द स्क्रीन n इक्वल टू 1 रखेंगे फर्स्ट डार्क n इक्वल टू 2 सेकंड डार्क n इक्वल टू 3 थर्ड डार्क मिलता चला जाएगा। खास बात है इसके बाद बताया गया कि अगर हम वेल रिजॉल्वड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखें तो सेंट्रल ब्राइट के बाद पहला डार्क मिला मिला इधर इस पहले डार्क का नाम पहला डार्क नहीं रखा गया इस पहले डार्क का नाम सेकंड डार्क रखा गया क्यों ठीक है चलिए वो भी बताते हैं उससे पहले फिर अगला ब्राइट मिलना चाहिए ना इंटरफेरेंस के हिसाब से जब इंटरफेरेंस से अगले ब्राइट को ढूंढा गया तो अगला ब्राइट थिन इन प्लेसमेंट था और काफी लो इंटेंसिटी का था नॉट ऑफ मच इंटेंसिटी क्यों वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है इसका नाम रखा गया सेकंड ब्राइट सेंट्रल ब्राइट सेकंड ब्राइट फर्स्ट ब्राइट गायब है ठीक है उसके बाद जब अगला डिसाइड किया गया या एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो पाया गया अगला जो है डार्क बैंड वो काफी वाइड है इन अ सेम वे सिमेट्री है इधर और ब्राइट जब इसके बाद आएगा अगला ठीक है तो वो और थिन है या शायद हमें दिख ही नहीं रहा मतलब ये इंटरफेरेंस की तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सेंट्रल इज मच ब्राइट अदर ब्राइट्स आर ऑफ आर ऑफ नॉट सेम इंटेंसिटी एज दैट ऑफ सेंट्रल ब्राइट वैसे भी सोचिए 98% तो सेंट्रल ले गया 2% ना बचा उसी 2% का डिस्ट्रीब्यूशन ये डार्क और ब्राइट में कर रहे हैं कैसे उतना इंटेंस हो जाएगा जितना सेंट्रल ब्राइट था यानी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का अंतर आना शुरू हो गया इंटरफेरेंस में सेंट्रल ब्राइट होता था डिफ्रैक्शन में भी सेंट्रल ब्राइट है इंटरफेरेंस में आपको रेगुलर इंटरवल पे ब्राइट्स मिलते थे और इक्वल इंटेंस होते थे इक्वल थिकनेस के होते थे अन इक्वल थिकनेस के आपको ब्राइट्स मिलेंगे ठीक है और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं होगा जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हटेंगे डार्कनेस बढ़ती जाएगी अरे डार्कनेस कितना दूर कितना एंगल पर मुड़ा होगा लाइट रे को इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको ब्राइट बैंड में कम मिलेगा और डार्क बैंड में ज्यादा मिलेगा मतलब कि जैसे जैसे हम सेंट्रल से दूर हटेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि डार्कनेस जो डार्क बैंड है उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है और ब्राइट बैंड की कम होती जा रही है अरे 98% तो ये ले लिया था 2% में कुछ ये ले लिए तो बचा ही कितना है कि अगला ब्राइट जो होगा वो तगड़ा तंदुरुस्त बनेगा मरियल सा एकदम डिम बनेगा आपको दिखाई नहीं देगा क्लियर है यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न को लैब में भी देख पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि 98% तो यही ले लिया बाकी 2% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी डिफिकल्ट होता है तो आपको क्या याद रखना है सेंट्रल ब्राइट इज वाइट सराउंडेड बाय टू डार्क नॉट कॉल्ड द फर्स्ट डार्क नेम्ड एज सेकंड डार्क वो इसलिए कहा गया सेकंड डार्क क्योंकि सेंट्रल ब्राइट इतना ज्यादा वाइट था कि माना गया कि प्राइमरी ब्राइट दैट इज फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क इसी में कंटेन हो गए इतना वाइट था ये ठीक है सो दैट जब काउंटिंग की गई तो सेकेंडरी डार्क से काउंटिंग की गई यानी कि सेंट्रल ब्राइट सेकेंड ब्राइट थर्ड डार्क मच वाइट थर्ड ब्राइट लीस्ट वाइट नॉट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एटमॉस्फियर ठीक है डिसअपियर हो गया इसका मतलब है इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ये स्क्रीन पर डिस्टेंस वेरिएशन हो गया ये इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी इसके पास है ये देखिए ठीक है और डार्क पर इंटेंसिटी चलिए मिनिमम है फिर इसके बाद
मैक्सिमा है दैट इज सेकेंडरी, पर इंटेंसिटी काफी कम है दिस, उसके बाद फिर इंटेंसिटी कम है, जीरो है, इसमें यहां इंटेंसिटी क्या होगा मैक्स, फिर उसके बाद क्या होगा इंटेंसिटी जीरो, मतलब कैसा डायग्राम आएगा देखा ये, और अगर बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये दिख रहा है, क्लियर है, ये क्या है ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये क्या है डार्क डार्क, इस तरह से मिलेगा, जबकि इंटरफेरेंस में क्या मिला था, इंटरफेरेंस में तो आपको हर बार जो ब्राइट था वो 4I0 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 मिला था, हर बार जो डार्क था वो जीरो जीरो और जीरो मिला था, यहाँ जो डार्क मिलता है वो भी परफेक्ट डार्क नहीं मिलता, उसका भी आपको हल्की सी लाइट मिलती है, एकदम परफेक्ट डार्क नहीं होगा, थोड़ी सी लाइट मिलेगी, इसको कहा गया डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफ्रैक्शन पैटर्न के बनने को एक्सप्लेन किया गया, सिंपल सा वो है, आपको एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए, एक कॉन्वेक्स लेंस L1 चाहिए, सिंगल स्लिट चाहिए, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस L2 चाहिए, आपको एक स्क्रीन चाहिए, कंडीशन ये है कि पहले लेंस के फोकस पर सोर्स हो जाएगा और दूसरे लेंस के फोकस पर स्क्रीन हो जाएगा, आपने जो ये ऑब्स्टेकल लिया है, इस ऑब्स्टेकल में आपने ये जो ओपनिंग प्रोवाइड की है, दिस इज कॉल्ड स्लिट, जब इससे लाइट निकलने की कोशिश करेगी तो सम लाइट विल बी मूव्ड डायरेक्टली विदाउट इंटरैक्टिंग विद द सरफेसेस, तो वो इकट्ठी होके सेंट्रल पर ब्राइट बना देंगी, बिकॉज हैविंग द नो फेज नो पाथ डिफरेंस, जो लाइट इन एजेस पर इंटरैक्ट करेगी वो डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्ट होके निकलेंगी, सेम एंगल पर डिफ्रैक्टेड रे को L2 एक पॉइंट पर फोकस करेगा, उस पॉइंट की इंटेंसिटी डिसाइड होगी बाय द पाथ डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टेड इन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग डिफ्रैक्टेड रे, इन दो डिफ्रैक्टेड रे के सुपरपोजिशन में जो पाथ डिफरेंस आया है ये डिसाइड कराएगा कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम, यहां से एक लाइन खींचेंगे आपको ये मिल गया, इसको आप पाथ डिफरेंस कहेंगे, साइन थीटा लगा देंगे तो मिल जाएगा डेल बाई ए, और यहां से आपको मिल गया डेल द पाथ डिफरेंस, और अब आप कहेंगे कि एज वी हैड सीन सम थिन फिल्म कि फॉर फ्रिंज टू डिसअपीयर कंडीशन इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इक्वेट करा देंगे, आपको पता चल जाएगा पोजीशन ऑफ nth डार्क, तो वहां नाम रखा गया सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी अगर हम कहें कि हमको इसकी पोजीशन बताइए तो नाम जरूर सेकेंडरी है लेकिन रखना है n=1 है, n=2 नहीं रखना है, इसलिए बड़ा खचर पचर है, ऐसे बोलेगा फिफ्थ डार्क बताइए तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिफ्थ डार्क एक्चुअली में 4 है, सोच के देख लीजिए, हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन में फर्स्ट डार्क को सेकंड डार्क नाम दिया गया और जब कैलकुलेट करते हैं तो n=1 रख के कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसका न्यूमेरिकल आ जाता है तो छोड़ देने में भलाई होती है क्योंकि पढ़ाई नहीं जाता है, ठीक है, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आता, तो अगर कह रहा है फिफ्थ डार्क तो फिफ्थ डार्क का मतलब फोर्थ डार्क निकाल के आइए, ठीक है, ये एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपके बोर्ड में घिसा पिटा वही 10 साल से पूछ रहा है, हर 4-4 साल के इंटरवल पे वो प्रॉब्लम आपको जल्दी ही 1-2 मार्क्स वाले शीट में दे दी जाएगी, ठीक है, जैसा डिफ्रैक्शन में कहीं सेटल किए होंगे, तो ये था सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका आज की डेट में लेटेस्ट एप्लीकेशन है जो सिर्फ ISC बोर्ड में पूछा जाता है, अदरवाइज डेफिनेशन हमें देखनी होगी, ये हम आपको कल बताएंगे, कल स्टार्ट करेंगे सबसे अच्छा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का, हाइगेन के बाद इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, लास्ट है पोलराइजेशन, काफी अच्छा चैप्टर है, एक फुल क्वेश्चन 2 साल से मिलता है, ये हम लोग देखेंगे कल।